दोस्तों नमस्कार। यदि आप राजनीति में हैं, एक अच्छे नेता हैं या नेता बनना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि राजनीति में अपना ब्रांड कैसे तैयार करें, खुद को एक अलग ब्रांड के रूप में कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपना पर्सनल ब्रांड तैयार करें राजनीति में, कैसे अपनी ब्रांडिंग करें और कैसे एक अलग नेता के रूप में आप अपनी पहचान बनाएं, ताकि लोग आपको जानें, आपको समझें, आपको फॉलो करें और आप राजनीति में सफल हो पाए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे पॉलिटिकल ब्रांडिंग के बारे में, अपनी छवि तैयार करने के बारे में, अपनी एक बेहतर इमेज तैयार करने के बारे में, और हम जानेंगे 6 ऐसे सीक्रेट्स, 6 ऐसे रहस्य, जिससे आप भी अपनी पॉलिटिकल ब्रांडिंग एक अलग नेता के तौर पर कर सकते हैं और भविष्य में एक सफल नेता के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से वो 6 सीक्रेट्स, वो 6 रहस्य कौन से। सबसे पहला सीक्रेट जो है पॉलिटिकल ब्रांडिंग का, एक अच्छा इमेज क्रिएट करने का, वो है राजनीति में आपके मूल्य और आपकी सोच क्या है, इसको बहुत क्लियरली डिफाइन करके लोगों तक पहुंचाना। जी हाँ, आप राजनीति में क्यों आए हैं, राजनीति में आप क्या करना चाहते हैं? आप गरीबों के लिए राजनीति करना चाहते हैं, आप विद्यार्थियों के लिए राजनीति करना चाहते हैं, किसानों के लिए करना चाहते हैं, युवाओं के लिए करना चाहते हैं, शहर के लिए करना चाहते हैं, गांव के लिए करना चाहते हैं, पानी के लिए करना चाहते हैं, जंगल के लिए करना चाहते हैं? आपका क्या मूल्य है, किसके लिए आप खड़े हुए हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो आपकी तरफ उम्मीद से देख सकते हैं राजनीति में? ये आपको सबसे पहले तय करना होगा यदि आप एक अलग पॉलिटिकल ब्रांडिंग करना चाहते हैं, बाकी नेताओं से अपने आप को अलग साबित करना चाहते हैं। तो पहली जो चीज आपको करनी है, आपको खुद से पूछना पड़ेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आप किसके लिए खड़े हैं राजनीति में, क्यों आए हैं राजनीति में और कौन से ऐसे लोग हैं जो आपकी तरफ उम्मीद से देखें, आपके मूल्य और आपके सोच के आधार पे। और ये एक तरीके से आपकी ब्रांडिंग होगी राजनीति में। तो पहली चीज आपको करनी है, अपने सोच और मूल्य पर आपको काम और उसे क्लियरली डिफाइन करना है। दूसरा जो रहस्य है, दूसरा जो सीक्रेट है पॉलिटिकल ब्रांडिंग का, वो है कम्युनिकेशन, यानी कि संवाद। एक अच्छा ब्रांड बनने के लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। आप अपनी सोच को, अपने मूल्यों को, अपनी योजनाओं को किस तरीके से साफ साफ शब्दों में, सरल भाषा में, लोग जिसे समझ सके ऐसी भाषा में लोगों तक पहुंचाते हैं अलग अलग माध्यमों से। तो जितना साफ आपका कम्युनिकेशन होगा, जितना सरल आपका संवाद होगा, उतने ही अच्छे तरीके से लोग आपको, आपके सोच को और आपके काम को समझ पाएंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि कम्युनिकेशन पे लगातार काम करना, अलग अलग जो भी माध्यम है कम्युनिकेशन के, संवाद के, उन पर अपनी पकड़ बनाना, खुद को उसके लिए लगातार तैयार करते रहना और बेहतर संवाद करने के लिए लगातार प्रैक्टिस करना, अपने आप को इम्प्रूव करना। तो ये है दूसरा तरीका कम्युनिकेशन, यानी कि संवाद। इससे आप भविष्य में एक अलग नेता के रूप में अपनी पहचान राजनीति में बना सकते हैं। और संवाद जो है वो तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है राजनीति का, क्योंकि आप जितने अच्छे से अपनी बात को कह पाएंगे, जितने अच्छे से बोल पाएंगे, भविष्य में उतने ही बड़े पद पर आप पहुंच पाएंगे। तो इसलिए कम्युनिकेशंस पे काम करना शुरू करिए, संवाद पे काम करना शुरू करिए और इसकी ट्रेनिंग आप हमसे भी ले सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज हैं इस चैनल पे और हमारे पॉलिटिकल कोर्स में भी कम्युनिकेशन का एक अलग मॉड्यूल है, इसमें आपको पूरी डिटेल ट्रेनिंग मिलेगी संवाद को सुधारने के लिए, अपने आप को एक अच्छा कम्युनिकेटर, एक अच्छा नेता बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है इसको जानने के लिए। तीसरी जो चीज है वो है अपने जो लोग हैं, अपने जो वोटर हैं आपके क्षेत्र में या जो भी आपके समर्थक हैं, उनके साथ एक अच्छा
संबंध स्थापित करना, एक रिलेशनशिप बिल्ड करना। राजनीति है लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के साथ। तो जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंच पाएंगे, जितने ज्यादा लोगों तक आप अपनी बात पहुंचा पाएंगे, जितने ज्यादा लोग आपकी बात को समझकर आपके साथ आएंगे और जितने ज्यादा लोगों का आप समर्थन हासिल कर सकें, भविष्य में उतने ही बड़े नेता आप बनेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि लोगों से जुड़ने के अलग अलग जो साधन हैं, अलग अलग जो तरीके हैं, इस पर आपको बहुत गंभीरता से काम करना चाहिए। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, हर एक वर्ग के लोगों तक पहुंच सके, गांव, शहर, युवा, बुजुर्ग, जो भी लोग हैं उन तक आप कैसे पहुंच बना सकें, कैसे उनके साथ एंगेज कर सकें और कैसे एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें, इस पे तय करेगी आपकी पॉलिटिकल ब्रांडिंग। कैसी छवि आप तैयार करते हैं अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ, इससे भी आपको एक पहचान मिलेगी एक अलग नेता के रूप में, एक अलग पॉलिटिशियन के रूप में। तो इसीलिए अपने लोग हैं, वोटर्स हैं, उनके साथ एंगेज करना शुरू करिए, उनके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग तैयार करने की कोशिश करिए, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करिए। अगर आपको पॉलिटिक्स में एक अच्छा ब्रांड तैयार करना है खुद का, तो ये हो गई तीसरी बात। चौथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, चौथा जो सीक्रेट है पॉलिटिकल ब्रांडिंग के लिए, खुद को एक अच्छा ब्रांड के रूप में तैयार करने के लिए, वो है सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल। आज का युग डिजिटल युग है, आज हर एक व्यक्ति की पहुंच जो है वो सोशल मीडिया पे है और सोशल मीडिया के माध्यम से वो दुनिया को देखने की, समझने की कोशिश करता है, दुनिया के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता है। तो यदि आप सोशल मीडिया पर नहीं हैं, तो शायद आप इस सारे गेम से अपने आप को मिस कर। इसीलिए सोशल मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है आज हमारे जीवन का, चाहे आप राजनीति में हो चाहे ना हो, लेकिन आप सोशल मीडिया को अवॉइड नहीं कर सकते। भविष्य जो है वो इसी माध्यम से होकर गुजरने वाला है, आने वाला है, और कहीं ना कहीं हमें भी अपनी मौजूदगी जहां सब हैं वहां पे अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी। सफलता का यही राज है। सफलता तभी मिलती है जब आप ये समझ पाए कि लोग कहाँ जा रहे हैं और सबसे पहले वहां पर पहुंच जाए। तो सोशल मीडिया आजकल हर एक व्यक्ति यूज कर रहा है, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो कि पुरुष हो, स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, पॉलिटिक्स हो, चाहे सोशल वर्क हो, बिजनेस हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, हर जगह सोशल मीडिया का अपना एक महत्व है। तो जब सारे लोग सोशल मीडिया पे हैं और आप अपनी बेहतर मौजूदगी दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, ये सीख सकते हैं, ये जान सकते हैं कि सोशल मीडिया का आप बेहतर इस्तेमाल कैसे करें, कैसे अपनी बात अलग अलग लोगों तक पहुंचाएं, कैसे अपनी सोच को पहुंचाएं, कैसे अपने आप को कनेक्ट करें लोगों के साथ और कैसे उनका भरोसा जीतें, तो आपसे बड़ा ब्रांड तैयार हो ही नहीं सकता फिर पॉलिटिक्स में। तो ये भी एक स्किल है, कला है, आर्ट है, साइंस है, और इसमें भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। यदि आप अपनी सोशल मीडिया ब्रांडिंग कराना चाहते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन कराना चाहते हैं इलेक्शन के लिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी सोच को, अपने अपने कैंडिडेचर को आप मजबूत बनाना चाहते हो किसी भी इलेक्शन में, तो सोशल मीडिया का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे काफी आपको फायदा भी मिल सकता है। तो ये हो गई चौथी बात। पांचवा है आपका कि जो भी मीडिया के माध्यम से आपको मौका मिलता है, जैसे सोशल मीडिया वैसे मीडिया है, लोग मीडिया के माध्यम से भी अलग अलग तरीके से दुनिया से कनेक्ट होते हैं, उसके बारे में ओपिनियन बनाते हैं, राय बनाते हैं और परखते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मीडिया का भी बेहतर इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। आप जो भी सोचते हैं उसको मीडिया के माध्यम से कैसे लोगों तक पहुंचाएं, आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे सोशल वर्क कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हैं, लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं या कोई भी काम आप कर रहे हैं, और यदि आपको उसे लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि अगर लोग नहीं जान पाए तो आपके काम का कोई मतलब भी नहीं है, तो लोगों को जानना जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, आप कौन सी सोशल वर्क कर रहे हैं, कौन सी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से कार्यक्रम करा रहे हैं आप अपने क्षेत्र में, आप किन से मिल रहे हैं, किन के पास जा रहे हैं, किन के मुद्दे उठा रहे हैं, ये सब चीजें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और जैसे सोशल मीडिया एक माध्यम है, वैसे मीडिया भी एक माध्यम है। तो यदि आप अपने लिए एक बेहतर ब्रांड तैयार करना चाहते हैं, खुद को एक अलग ब्रांड के तौर पे पॉलिटिक्स में आप स्थापित करना चाहते हैं, तो मीडिया का इस्तेमाल करना भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए।
तभी आप भविष्य में एक अलग पॉलिटिकल ब्रांड के रूप में स्थापित हो पाएंगे राजनीति में। तो ये भी एक स्किल है, साइंस है, कला है, इसे भी प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू सीखा जा सकता है। तो मीडिया पे अपनी पकड़ बनाइए, मीडिया को समझिए, मीडिया के लोगों के साथ अपना संबंध बनाइए, रिपोर्टर्स के साथ अपना संबंध बनाइए, न्यूज चैनल्स हो गए उनके साथ अपना संबंध बनाइए, अखबार के जो पत्रकार होते हैं उनके साथ अपना संबंध बनाइए और देखिए कैसे आपकी ब्रांडिंग तैयार होती है। छठवां और आखिरी रहस्य आपके पॉलिटिकल ब्रांडिंग के लिए वो है कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंट रहिए। जो भी आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट हो सकता है आपको कम समय में ना मिले, हो सकता है आज ना मिले, कल ना मिले, आने वाले 6 महीने ना मिले, 1 साल में ना मिले, लेकिन करते रहिए, लगातार करते रहिए, अपने काम से आप पीछे मत हटिए और ऑथेंटिक रहिए, ओरिजिनल रहिए। शॉर्ट टर्म अपने आप को प्रेजेंट मत करिए कि मैं गरीबों का मसीहा हूं, मैं आपका शुभचिंतक हूं, मैं आपकी समस्याएं सुनने आया हूं, जी नहीं, ऑथेंटिक रहिए। आपके अंदर ये क्वालिटी है तो आप उस तरीके से प्रेजेंट करिए अपने आप। आप यदि वाकई लोगों के समस्याओं का समाधान कर सकते हैं तब आप उनसे कहिए कि हाँ मैं आपके समस्याओं के समाधान करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। यदि आपके नेचर में या नहीं, कैरेक्टर में नहीं, तो मत बोलिए, आप धोखा मत दीजिए, क्योंकि आप बहुत देर तक इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसे आप कंसिस्टेंटली परसू नहीं कर सकते हैं, तो कभी ना कभी आपकी असलियत जो है वो लोगों के सामने आ जाएगी। इसीलिए कंसिस्टेंट रहिए, जो भी आप कर रहे हैं लगातार करते रहिए, रोज अपने आप को बेहतर बनाइए, रोज अपने आप को ग्रो कीजिए, एक बेहतर इंसान बनाइए, रोज एक बेहतर लीडर बनाइए, नए स्किल्स सीखिए, नए तरीके सीखिए, नए लोगों से जुड़िए, नए तरीके से काम करने के नए नए तरीके खोजिए और ऑथेंटिक रहिए, ओरिजिनल रहिए। जैसे आपका स्वभाव है उस तरीके से ही आप काम कीजिए, उस तरीके से ही लोगों के सामने जाइए, तो फिर देखिए आने वाले समय में किस तरीके से आपका एक अलग पॉलिटिकल ब्रांड जो है राजनीति में आप तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने चर्चा की 6 सीक्रेट्स, 6 रहस्य राजनीति में अपनी ब्रांडिंग तैयार करने के लिए, अपने आप को एक अलग नेता के तौर पे प्रस्तुत करने के लिए, जिससे कि आप भविष्य के एक सफल नेता बन सके। ऐसे ही टिप्स के लिए, ऐसे ही नॉलेज के लिए अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। यदि आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है, आप चाहते हैं कि आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग का हिस्सा बने हमारा, तो अभी कुछ समय के लिए हमारा पॉलिटिकल ट्रेनिंग जो VIP मेंबरशिप है वो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी फी के। इसका भी लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, अभी आप रजिस्टर करिए अपने आप को VIP मेंबरशिप के लिए और हमारे पॉलिटिकल ट्रेनिंग का हिस्सा बने, और इस सफर में मुझे बहुत खुशी होगी, आपका स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोस हैं उन्हें आप देखिए, राजनीति सीखिए, लीडरशिप सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मुलाकात होगी, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।